हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ रांची। और आज हम लोग आ गए हैं रांची के मोराबादी में, लगाया गया है दीपावली मेला और इस मेले में मुख्यमंत्री आज उद्घाटन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं मेले की ओर। सो फ्रेंड्स, आज है 2 नवंबर और आप सभी जानते हैं कि 12 नवंबर से दिवाली है, तो इस अवसर पर मोराबादी मैदान में लगाया गया है दिवाली मेला। जी हाँ, इसमें आ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। जैसे ही आप मेले में एंट्री करेंगे, आपको मेला में बहुत सारा रौनक नज़र आएगा। सभी लोग यहाँ मेला में आके बहुत ही एक्साइटेड है और काफ़ी खुश है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भैया जो है मिट्टी का दिया बना रहे हैं, जो हमारे दिवाली में जलाया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो तरह तरह झारखंड की संस्कृतियाँ झलकती हुई नज़र आएगी। और ये जो भैया है मिट्टी के कलाकृति से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया है। इस मेले में जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि दिवाली के बहुत सारे ऐसे सामग्रियाँ लगाई गई हैं जो दिवाली में यूज होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि काफ़ी खूबसूरत दिया बेचा जा रहा है, इसे बहुत ही अच्छे से सजावट करके बनाया गया है। इस मेले में दिवाली के सामग्रियों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ लगाए गए हैं, जैसे कि होम डेकोरेशन और ठंड के लिए कंबल और साड़ियाँ, चूड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस मेले में लगाए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों के लिए भी खेल कूद के लिए यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें बच्चों के लिए झूला है, बहुत सारी चीज़ें हैं फ़न के लिए। और यहाँ से हम लोग निकल पड़ते हैं दूसरी की ओर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि घड़े में कौवा जो है पानी पीने के लिए कंकड़ डालता है और पीता है, उस चीज़ को यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ पे है फूड काउंटर, यहाँ पे आपको सारे फूड का बहुत सारे प्रकार के फूड मिलेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लिया चाय और पकौड़ी, पकौड़ी जो आप देख रहे हो 30 रुपये का भाई। और यहाँ पर मोमो जो देख रहे हैं ना 4 पीस 70 रुपीज़ भाई, मेले में आए तो थोड़ा दाम तो रहेगा ही। और इसके बाद हम लोग खाते हैं रेड वेलवेट केक और यहाँ से फिर हम लोग निकल जाते हैं उद्घाटन जो होने वाला है, मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो अब हम लोग चलते हैं उद्घाटन की ओर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़े हैं और हम लोग भी वेट कर रहे हैं और फाइनली आ चुके हैं। मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर। तालियों की गड़गड़ाहट की गुजारिश करती हूँ आप सभी, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। हम मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करते हैं और अब दीपावली की अनंत अशेष शुभकामनाएं जसोवा की तरफ से। ये दिवाली हो खुशियों वाली, ये दिवाली हो जगमगाती रोशनियों वाली, ये दिवाली हो माँ लक्ष्मी के आशीर्वादों वाली। और इसी कामना के साथ 5 दिवसीय जसोवा दिवाली मेले का शुभारंभ
दीप प्रज्वलित कर करते हैं। मैं सादर आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त मंचासीन अतिथिगणों से, जसोवा के सीनियर मेंबर से, कि दीप प्रज्वलित कर इस जसोवा दिवाली मेले का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। हर स्टॉल धारकों के लिए उम्मीदों का दिया जलाते हैं, हर घर दिवाली की खुशहाली का एक दिया जलाते हैं। जी हाँ, ये है जसोवा के दिवाली मेले के शुभ उद्घाटन का दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस दीप को प्रज्वलित कर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं इस मेले में तमाम स्टॉल धारकों के प्रति और तमाम जसोवा के मेंबर्स के मन में। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे विशिष्ट अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर जसोवा के इस 5 दिवसीय दिवाली मेले का विधिवत शुभारंभ करना। महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही रांची में कैंसर संबंधी जागरूकता लाने के लिए रांची रन्स अगेंस्ट कैंसर का भी सफल आयोजन किया गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले YouTube में झारखंड के कई आंगनबाड़ी जो हैं उनकी अर्थव्यवस्था खराब होने की वजह से वायरल हुई थी, और जब इस चीज़ पर माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की नज़र पड़ी तो उन जगहों का अर्थव्यवस्था का सुधार किया गया और मेले में ही ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। जसोवा की एक नायाब सी कोशिश टू बी कम्युनिकेशन करने के एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सौभाग्य की बात और माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र बहुत सुंदर बन गया है। हाँ सर, कैसा लग रहा है सर? हाँ सर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। चलिए, आपके आंगनवाड़ी में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों की इस नए घर के लिए। महिला दीदी लोग जितनी हैं वो और बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको भी सर हम लोग की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। में लगी वाली रहने वाली संस्था राइट टू किड ट्रस्ट के बच्चों को ट्रैक सूट, बूट्स और खेल सामग्री प्रदान कर रहा है। निदेशक आनंद प्रसाद गोप जी और ये 4 बच्चियां हैं, अंशु कच्छप, नेहा कुमारी, ममता कुमारी और सिमरन कुमारी। जोरदार तालियां होनी चाहिए इन बच्चियों के लिए जो फुटबॉल के माध्यम से अपना भविष्य बनाना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हर कमलों के द्वारा इन्हें ये स्पोर्ट्स किट दिया जा रहा है ताकि ये अपने फुटबॉल के खेल को, फुटबॉल की प्रतिभा। सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, मेले का उद्घाटन हो चुका है, अब आप लोग यहां आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मैं बता दूं कि ये मेला जो है 6 तारीख तक लगा हुआ और प्रति व्यक्ति टिकट है 30 रुपीज। यहां पर हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और यहां पर हम लोगों को मिल जाते हैं रांची अपडेट वाले भैया, इन्होंने हम लोगों को काफ़ी सारी जानकारी दी और हम लोग काफ़ी इन्जॉय किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल में बने रहिए।